राजनीति नहीं करनी है, सबने मिलकर के करना है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये प्रयास करना चाहिए, दूसरा गवर्नर साहब के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन गवर्नर साहब के नेतृत्व में एकाध समिट बड़ा वेबिनार भी किया जाए, और जो शहर हो वहां पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके एक समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एकाध समिट उनका कर लिया जाए, जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का एक मूवमेंट चलाया जाए, और यही बात कि भाई आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, टेस्टिंग पर बल दीजिए। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पे चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी पहुंचेगी, हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं, और जैसा मैंने कहा पूरे परिवार फैले लेपट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है, फिर भी आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए। समिट बड़ा वेबिनार भी किया जाए, और जो शहर हो वहां पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं को बुला करके समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एकाध समिट उनका कर लिया जाए, जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, तो खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।